हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज फाइनली हम चार दिन के शूट के बाद जा रहे हैं यहाँ से। अभी हम टिहरी में है ना, तो टिहरी में चार दिन तक मस्त शूट किया हमने, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली। एक्चुअली कल परेश भैया की बहन की शादी है ना, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया था शादी में, तो शादी में जाना है और एक और शादी में जाना है हमको परसों। तो हाँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल जल्दी से रेडी हो गया मैं, तो साहिल पीयूष सब रेडी हो रहे हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ सीधा दिल्ली। यहाँ से 7 घंटे का रास्ता है, तो 7 घंटे ड्राइव करना है दिल्ली जाके, फिर दिल्ली जाके हमको शॉपिंग भी करनी है थोड़ी बहुत। तो गाइस, मैं तो रेडी हूँ निकलने के लिए। तो गाइस, सारा सामान डाल दिया है, चलो अब चलते हैं। तो भी गाइस, निकल चुके हैं होटल से और सभी बैठ चुके हैं, मम्मी आगे बाकी सब पीछे। जय माता रानी। तो भी गाइस, रुके यहाँ पे डीजल भरवाने के लिए, तो डीजल फुल कराते हैं और सेकंड टाइम फुल करा रहे हैं हम। तो डीजल फुल करा लिया है, अब चलते हैं सीधा नॉनस्टॉप दिल्ली। तो फाइनली गाइस, दिल्ली पहुंच चुके और शाम हो चुकी है, अब चलते हैं पारस भैया घर पे, सबसे मिलते हैं उनकी फैमिली से। पहले हम पारस भैया घर पे ही जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस, पहुंच गए इस घर में शादी है। देखो, पहुंचते ही बाहर सब्सक्राइबर आ गए। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? नमस्कार। तो गाइस, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, शादी वाला घर है ना, मम्मी पापा को यहाँ छोड़ दिया, हम चलते हैं होटल। ठीक है, तो भी गाइस, साहिल और मैं तो जा रहे हैं होटल, क्योंकि यहाँ लग गई भीड़ बहुत ज्यादा, और अभी और भीड़ लग जाएगी। हम यहाँ रुके तो हम आएंगे रात को। ठीक है, रात को मिलते हैं। ओके, थैंक यू, चलो बाय। आज तो पूरा दिन ट्रेवल में ही निकल गया, कुछ ब्लॉग भी नहीं बना पाए हम। तब चलते हैं होटल और आज शॉपिंग पे जाना है, कल शादी है ना, तो शादी के कपड़े लेने, मेरे पास कपड़े नहीं शादी के। गाइस, होटल पहुंच गया लेकिन सारा सामान गिर गया हमारा। देखो, डिग्गी खुलवाई इन्होंने, सामान भरा हुआ था ज़्यादा ज़्यादा। तो भी गाइस, पहुंच गया होटल रूम पे। तो ये होटल बुक किया था, मैं बता नहीं सकता कौन सा होटल है, बिकॉज पहुँच जाएंगे सब यहीं पर, क्योंकि दिल्ली से सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं ना, ये रूम है, इस तरह का रूम है। तो मैंने 2 रूम बुक कर दिए, एक मम्मी पापा के लिए और एक बच्चों के लिए। तो अब हम 2 दिन तक दिल्ली ही रहेंगे, कल शादी, आज तो मतलब ऐसे ही कुछ वहाँ पे लेडीज संगीत वगैरह होगा ना, तो मम्मी पापा को मैंने नहीं छोड़ दिया था। तो भी गाइस, होटल से निकल गए, अब हम जा रहे हैं पीयूष को लेने के लिए। पीयूष को लेते फिर चलते हैं मॉल शॉपिंग के लिए। तो ये पहुँच गए पीयूष को लेने के लिए। तो भी गाइस, पीयूष को उठा लिया और भाई बाहर इतनी खतरनाक भीड़ हो गई थी ना भाई, फोटो लेने के लिए, तो सबके हाथ में फोटो ली, बहुत टाइम लगा, मम्मी भी आ गई साथ में, मम्मी पीयूष साहिल और मैं मॉल जा रहे हैं अब। तो गाइस, मॉल पहुंच गए, गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं ऊपर। तो मम्मी जी फर्स्ट टाइम आई है इस वाले मॉल में, मम्मी जी को इसमें डर लग रहा है अब। हाय हाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बड़े को धक्का मारना पड़ेगा पहले, एक से दूसरा। इसमें क्या डर लग रहा है आपको? लिफ्ट भी है, डर लग रहा है तो लिफ्ट ले लो। अरे लिफ्ट ले लो, लिफ्ट ले लो। गाइस, अभी हमको वापस जाना पड़ा, मम्मी को लिफ्ट में लेके जा रहे हैं हम। तो मम्मी को लिफ्ट में ले आए हम। तो अभी गाइस, हम आगे जा रहे हैं और हमको देखो ये जैकेट पसंद आ रही है, इस टाइप की, ये कलर अच्छा लग रहा है ना, सस्ती भी है। नहीं, अंदर वाला है भाई, ये महंगी सस्ती है, ये देख रहे हो 3,000 रुपये, लेकिन ये 3,000 की है नहीं, कितने की है? 9,000 की। 9,000? नहीं नहीं नहीं, पसंद ही नहीं आ रही हमको, क्वालिटी बहुत, क्वालिटी सही नहीं है ना, वही तो यार आप सारा जोशी। मेरा छोटा भाई वो पागल है थोड़ा आपके पीछे यार, मेरे को दिला दो जो मैं कह रहा हूँ। क्या चीज़ दीजिए? मेरे को ब्लेजर चाहिए। ज़्यादा प्यारे आप लगते हैं। थैंक यू। तो गाइस, फाइनली मेरे को ब्लेजर मिल गया, ब्लैक वाला। तो भी गाइस, शॉपिंग करके आ गए। खानी है आइसक्रीम? खानी है? बड़ी मम्मी को खानी है। बड़ी मम्मी को खानी है? बड़ी मम्मी को ट्राई कराते हैं, बड़ी मम्मी को ट्राई कराते, खाऊंगा मैं, चलो जाओ। मम्मी ये मस्त तरह से आइसक्रीम खिलाते हैं। मम्मी जी रेडी, अब देखना मस्त तरह से आइसक्रीम खिलाएंगे आपको। क्यों ऐसे क्यों? अरे देखना मजा आएगा आपको। रेडी हूं मैम, आपको फोन को पकड़ना है लेकिन इससे कुछ ऐसे करना है। ठीक है, हाय बाय करो। हाय सर, वो ना ये लो, बाय बाय, ओए ओए, हाय हाय, बाय बाय, खाली है, सॉरी सॉरी, खाली है, खाली है, और चाहिए? ओके, को और दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इतने सही है ना, चाहे ज्यादा चाहिए? आपका नाम मैम? हेमा। हेमा, नमस्ते, ओके, इतने ठीक है? ओए जा, ओए ओए, क्या ना, अरे अरे मजाक कर रहे हैं यार, मम्मी मजाक कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, ये ले लो, थैंक यू, अरे यार कार यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अरे यार सॉरी मैम, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, थैंक
अरे ले लो यार मम्मी मम्मी कह रहे मैं लूंगी थैंक यू मैम थैंक यू मम्मी का पॉपर्ट हो गया हमने तो पहले भी करा हुआ है मम्मी को आज एक्सपीरियंस करा दिया हाय पीयूष हैं पीयूष नहीं आया पीयूष आया ही नहीं तो भी गाइस पार्किंग में पहुंच गए अब चलते हैं पारस भैया घर पे वहां जाके फिर भीड़ लगने वाली भाई गाइस पारस भैया घर पहुंच गए पहुंचते ही देखो भाई यहां तो भीड़ लग गई भाई मैं बाहर आ रहा हूं तो भी गाइस ऊपर आ गए भाई ऊपर ले आए बाहर तो इतनी भीड़ होगी ना भाई इतनी मुश्किल से निकला मैं होगी शादी की तैयारी होगी पूरी शादी की मस्त तैयारी होगी एनी है कोमल जी जिनकी शादी है कांग्रेचुलेशन थैंक यू गाइस यहां पे इतना शोर हो रहा है ना शादी वाली भाई भारी इतना मस्त लग रहा है पीयूष को वहां बच्चों ने पकड़ रखा देखो पीयूष ने यहां पे नए दोस्त बना लिए देखो मुझे तुमसे कुछ पूछना है पीयूष एटीट्यूड किंग है क्या एटीट्यूड नहीं है तो गाइस बाहर तो मैं बस फोटो खिंचा जा रहा हूं बहुत शोर हो रहा है इसलिए मैं ब्लॉग बनाने के लिए यहां पे आ गया रूम में और यहां पे सही है भाई मैंने आज पूरा दिन ब्लॉग बनाया नहीं थोड़ा बनाया मैंने क्योंकि यहां पे आया मैं फोटो खिंचवा रहा था और इतना शोर होता डीजे चल रहा था ना तो शादी के घर में तो ऐसे होता ना लेकिन काफी मस्त वाइब है यहाँ पे तो गाइस देखो शादी के गिफ्ट अभी से अनबॉक्स कर रहे हैं पता नहीं कौन देखे शादी के गिफ्ट अभी से अनबॉक्स भाई ऐसे क्यों कर रहे हो ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट ये ठीक है अभी खाने काम आएंगे शादी के गिफ्ट शादी से पहले ही अनबॉक्स कर दिए और खाना आ गया हमारा बिछा ले हाँ गिरना नीचे ना तो फाइनली गाइस हमारा खाना आ चुका है चावल पनीर राजमा रोटी भिंडी एंड रायता तो देखो तो काफी सारा खाना है तो गाइस खाना पीना हो चुका है मस्त बहुत टेस्टी था खाना मैंने तो ज्यादा खा लिया भाई अब चलते हैं सीधा होटल बिकॉज मुझे जाके एडिटिंग भी करनी है और कल है शादी तो कल शादी में आएंगे हम सीधा तो अभी गाइस खबर मिली है नीचे सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं बहुत सारे अब बाहर फिर से होने वाला है हल्ला तो फाइनली गए जैसे तैसे निकल गए पारस भैया घर से भाई बाहर इतने ज्यादा लोग थे ना इतनी ज्यादा पूरी गली भरी पड़ी थी भाई इतनी मुश्किल से गाड़ी में बैठा हूँ मैं और इतने सारे लोग थे मैं सब कहते फोटो भी नहीं ले पाया सॉरी गाइस लेकिन गाइस कभी मैं अच्छे से मीटअप करूंगा दिल्ली में तब अच्छे से मिलेंगे पक्का तो अब हम जा रहे हैं होटल तो अभी गाइस होटल पहुंच गया हूं अब फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूं टाइम देखो भाई रात के 1:30 बज चुके हैं अब मैं एडिटिंग शुरू करूंगा और 3 बजे तक कंप्लीट होगी यार लेकिन आज बहुत थक गया हूं बिकॉज 7 घंटे मैंने ड्राइव भी किया है और शॉपिंग भी गए थे मॉल भी गए थे और पास जाए घर भी गए थे तो हाँ बहुत थक भी गया हूं लेकिन इसको कंप्लीट करके जल्दी सोऊंगा मैं और कल शादी में भी जाना है तो हाँ आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय तो गाइस तो डीजल फुल करा रही है आप चलते सीधा तो डीजल फुल करा अबे यार क्यों खास रहे हो यार